हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उनके लिए जो जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आज 21वीं शताब्दी में भारत जहां भी है, बहुत संघर्ष के बाद है। पहली संघर्ष देश की गुलामी थी और दूसरी संघर्ष देश में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे ना कैसे देश तो आजाद हो गया था, लेकिन देश के भविष्य का क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था। अमेरिका, फ्रांस, चाइना जैसे बड़े बड़े देश से भारत को हमेशा धमकियां मिला करती थी, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज जो थे। इसी दौरान भारत में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने भारत देश को अपने कंधों पर रखकर आज उस मुकाम पे खड़ा कर दिया। और आज 21वीं शताब्दी में भारत जहां भी है, उनके बहुत बड़े योगदान की वजह से है। आज हम बात कर रहे हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनके वजह से आज भारत विश्व के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे पाता है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी के विकास में उनकी योगदान बहुत ही बड़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उनके माता पिता कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनके पापा जैनुल अबिदीन नाव चलाया करते थे। उससे उनके घर की रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल जाया करती थी और कलाम जी अपने स्कूलिंग पास के गाँव से किया करते थे। लेकिन एक बार की बात है कि रामेश्वरम में एक बहुत भयंकर साइक्लोन आती है, जिससे कि उनके पापा का सारा नाव उड़ जाता है और उनका बिजनेस एकदम से चौपट हो जाता है, जिस वजह से उनके घर चलाने के लिए एक भी पैसे नहीं होते हैं। और इसी कारण एपीजे अब्दुल कलाम जी घर की रोजी रोटी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूज़पेपर बेचा करते थे। और करीबन 8 साल की उम्र में उनके जीवन में संघर्ष आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी कठिनाई और मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी और 8 साल की उम्र में ही स्कूलिंग से आकर कमाने चले जाया करते थे। द विंग ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम जी के मुताबिक उनका ये कहना था, मैं तो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ ही था, लेकिन बहुत खुशनसीब वाले परिवार में पैदा हुआ था, क्योंकि उनके मम्मी पापा भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी के बात को समझा करते थे और साथ ही साथ उनको खूब सपोर्ट भी किया करते थे। उनके मम्मी उन्हें मोरल वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ सिखाया करती थी। अब्दुल कलाम जी को बचपन में ही सिखाया करती थी कि क्या गलत है और क्या सही। उनके पापा जैनुल अबेदीन भले ही नाव जलाया करते थे, लेकिन वो एक बहुत ही नोबल पर्सन थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी हाई स्कूल रामनाथपुरम की स्वर्ट हाई स्कूल से कम्प्लीट किया। फिर 4 साल के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई किया फिजिक्स लेकर। फिर वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे और उन्होंने माद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उनका सिलेक्शन तो हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, पर एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनके एडमिशन के लिए उनकी बहन ने अपने सोने की कंगन को बेचकर अब्दुल कलाम जी के एडमिशन एमआईटी में कराया और ये बात अब्दुल कलाम जी को बहुत बुरी लगी। उनको खुद के ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस वजह से उन्होंने कसम खाया, जीवन में बहुत मेहनत कर मुझे जीवन में कुछ करना ही करना है और जिसका जितना लिया है सबको वापस करके रहना है।
और उन्होंने जितना लिया था उससे ज्यादा कुछ सब को दिया, साथ ही साथ भारत के लिए उनकी योगदान अतुलनीय है। आगे देखिए उन्होंने कैसे करके जीवन में सफलता हासिल की और क्यों वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर। थैंक यू।